हाँ जी दोस्तों, स्वागत करते हैं तुहाडा सब दा साडे चैनल के आर स्टडी पॉइंट विच। लैके हाजिर होए हां दोस्तों, 12वीं जमात वालियां दे लई इकनोमिक्स दा पेपर आ, पंजाबी मीडियम दे विच होण वाला है दोस्तों, ते इंग्लिश मीडियम दे विच आपां तुहानूं लास्ट क्वेश्चन करावांगे इंग्लिश मीडियम दे विच वी। ते दोस्तों फिलहाल आपां जो कि पंजाबी मीडियम दे विच कर लैणे आ, ते दोस्तों फुल्ली सॉल्वड पेपर होण वाला है, तां करके वीडियो दे लास्ट तक बने रहना, तां ही तुहानूं चंगी तरह पेपर याद होवेगा ते तुसीं वधिया तों वधिया अंक लैके प्राप्त होवोंगे। दोस्तों तुसीं वेख सकदे हो 80 नंबर दा इह पेपर है। तो दोस्तों सब तो पहले तो दस दी इस चैनल पर अपलोड किए जाते हर एक पेपर, तो सबसक्राइब करना ना भुलना साढ़े चैनल, तो घंटे भी ऑन रखो। तो दोस्तों तुम सब तो पहले देख सकते हो प्रश्न नंबर एक, हरेक प्रश्न एक अंक का है। तो आज़ादी के समय भारत के प्रति व्यक्ति आमदन किन्नी सी दोस्तों? उत्तर आ जाओ 230 रुपए। 12वीं पंज साल योजना का समा काल की सी? उत्तर आ जाओ दोस्तों 2012 से 2017। तो अगे आ जाओ स्वतंत्र भारत में पहली उद्योगी नीति कदों अपनाई गई? उत्तर की हो दोस्तों 6 अप्रैल 1948। तो अगे चौथा क्वेश्चन आ जाऊगा, भारत में पेंडू बेरोजगारी दियां विभिन्न किस्म कैड़िया हैं? उत्तर हो जाऊगा दोस्तों खुली बेरोजगारी, गुप्त या भेस वाली बेरोजगारी, हेठां पढ़े लिखे पेंडू बेरोजगारी। तो दोस्तों पंजवां आ जाऊगा, पेंडू साग तो की भाव है? पेंडू साग तो भाव किसानों की उन्ना साग लोड़ों तो है जिसकी मंग वो खेतीबाड़ी लिए बीज और खादा की खरीद ले दे, मजदूरी देने औजार यंत्र खरीदने लिए, खूह का निर्माण करने के लिए, ट्रैक्टर वगैरह खरीदने लिए करते हैं। तो दोस्तों उत्तर आ जाऊगा 6वें वाले का, भारत में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहड़े हैं? इस उत्तर आ जाऊ दोस्तों कोला, तेल, ठोस बायोमास। तो दोस्तों अगे आ जाओ जैविक खेती तो की भाव है? उत्तर आ जाओ दोस्तों जैविक खेती खेती उत्पादन की एक विधि है जो सिंथेटिक पदार्थों जिमें कीटनाशक, सिंथेटिक दवाइया या खादा और जेनेटिक तौर पर सोधे हुए जीवों की वरतों बाहर रखती है। तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन आ जाओ, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना डैस विच लागू की? उत्तर की हो जाओ दोस्तों 1 मई 2016। ते ब्रिटिश शासन तो पहला भारतीय खेती डैश खेती सी? उत्तर की हो जाए दोस्तों गुजारा खेती। तो 10वां क्वेश्चन आ जाओ, पहली पांच साल योजना का समाकाल डैश सी 1951 से 1956 ईस्वी? इसका आंसर आ जाऊगा प्रधानमंत्री रुजगार योजना का उद्देश्य डैश युवकों रुजगार प्राप्त प्रदान करना सी। उत्तर आ जाओ दोस्तों बेरोजगार, सिक्ख्यक बेरोजगारी डैश खेतर पाई जाती है? उत्तर आ जाओ दोस्तों तुसीं वेख लेना इसका आंसर की होगा। तो इन्हां दोनों के ते 12वें ते 13वें का आंसर सानू हजे तक नहीं पता, जेकर तुहानू पता है तो तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट करके लिख सकते हो। तो साहूकार 38 तो दोस्त दे दैश स्रोत हैं, तुसीं इसका भी आंसर देख लेना। तो वर्तमान में लाजमी लाइसेंसिंग प्रणाली के अंतर्गत डैश उद्योग आते हैं? उत्तर हो जाऊगा दोस्तों तंबाकू दीआं वस्तुआं। तो सुतंत्रता प्राप्ति समय भारत अर्थव्यवस्था मुख्य रूप में डैश अर्थव्यवस्था सी? उत्तर दोस्तों खेतीबाड़ी आर्थिकता। तो भारत में 2017 तक डैश योजना पूरी हो चुकी हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हजे तक सानू नहीं लभ्या, तुसीं वेख लेना। तो दोस्तों 17वां क्वेश्चन आ जाऊगा, मौसमी बेरोजगारी शहरों में पाई जाती है? उत्तर हो जाऊगा दोस्तों गलत। योजना आयोग की स्थापना 1945 की गई सी? दोस्तों उत्तर की हो जाऊ सही। स्वतंत्रता प्राप्त समय भारतीय खेतीबाड़ी बहुत पिछड़ी हुई सी? दोस्तों उत्तर हो जाओ सही। WTO का पूरा नाम की है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आ जाता है प्रश्न नंबर 2, कोई 10 प्रश्न करने हैं जो कि तुहाडे 2-2 नंबर के हो जाएंगे। दोस्तों 20 नंबर का तुहाडा प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा। तो हाँ जी मित्रों, इस विच पहला क्वेश्चन आ जाता है, भारत में हरी क्रांति किसनू कहा जाता है? उत्तर हो जाओ दोस्तों हरे इनकलाब या हरी क्रांति तो भाव 1940 से 1960 ईस्वी के दरम्यान खेतीबाड़ी खेत्र में हुई तरक्की और खोजों की तकनीकी बदलाव की लड़ी तो है। इस नाल विश्व के खेतीबाड़ी उत्पादन में बहुत वाधा होया है, विशेष तौर पर विकासशील देश में। इसका विश्व पद्धर से आरंभ नॉर्मन बोरलोंग द्वारा, जिसनों हकी हरी क्रांति का पितामा कहा जाता है, होया है। उन्होंने करोड़ों लोगों को भुखमरी तो बचाया। हरी क्रांति के दौरान किसानों अनाज दियां उन्नत किस्म सिंचाई के साधनों का विकास, बनावटी खाद और कीड़ेमार दवाइया मुहैया करवाई गई। तो दोस्तों दूजा क्वेश्चन आ जाता है, 1947 भारतीय अर्थव्यवस्था एक पेंडू अर्थव्यवस्था की टिप्पणी करो?
उत्तरों जी दोस्तों आज़ादी की पूर्व संध्या तो भारतीय अर्थव्यवस्था खेती आधारित अर्थव्यवस्था सी। भारत की 75% आबादी खेती तो रोजी रोटी कमाती सी। इस वड्डी आबादी ना लई आमदन का मुख्य स्रोत होने का बावजूद ब्रिटिश शासन के अधीन इस सैक्टर नूं गिरावट का सामना करना पिया। तो दोस्तों तीजा क्वेश्चन आया नीति आयोग के कदों होंद विच आया। नीति आयोग गठन 1 जनवरी 2015 नूं केंद्रीय मंत्रिमंडल दे एक मते राही किया गया सी। गरीबी तो तुसी की समझदे हो? उत्तरों जी दोस्तों उस व्यक्ति की स्थिति जिस कोल पैसे या भौतिक चीज़ां दी आम या समाजिक ते स्वीकार योग रकम की घाट है। तो दोस्तों अगे आज बेरोजगारी की परिभाषा दो। बेरोजगारी तो भाव एक अजी अवस्था है जिस विच मनुख वर्तमान मजदूरी की दर से काम करने तैयार होंदे हन पर उन्होंने काम नहीं मिलता। किसी देश विच बेरोजगारी की अवस्था वह अवस्था है जिस विच देश विच बहुत सारे काम करने योग मनुख होंदे हन अते वह वर्तमान मजदूरी के काम करने लई तैयार होंदे हन पर उन्होंने कई कारण तो काम नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों छेवां क्वेश्चन आ जाता भारत विच पेंडू साख के गैर संस्थागत स्रोत केड़े हन? तो दोस्तों उत्तर आज जिमीदार पिंड के व्यापारी ते साहूकार भारत विच गैर संस्थागत पेंडू कर्जे के भिन्न महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो दोस्तों अगे आज जैविक खेती बारे तुसीं की जानते हो? उत्तर हो दोस्तों जैविक खेती नूं एक खेतीबाड़ी प्रक्रिया वजों परिभाषित किया जा सकता है जो व्यक्ति व्याकरण खादा विज्ञानक खादा अते जानवरों दे पौद्यां दी रहिंद खुंद तो प्राप्त कीट कंट्रोल दी वरतों करती है। तो दोस्तों अठवां क्वेश्चन आ जाता है मनुखी पूंजी ते भौतिक पूंजी विच अंतर लिखो। उत्तरों जो दोस्तों मनुखी पूंजी तो भाव किसी एक देश विच किसी समय विशेष ते पाए जाने वाले कौंसल अते निपुणता दे भंडार तो है। तो दोस्तों इसे दा ही आ जांदा है क्वेश्चन भौतिक पूंजी तो भाव उत्पादन दे साधन तो है। भौतिक पूंजी दे स्टाक नाल ही इसे तरह राष्ट्र की उत्पादन समर्था मापी जाती है। तो दोस्तों इस तरह भी तुसीं क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो दोस्तों नौवां क्वेश्चन आ जाता भारत में ऊर्जा के संस्थागत स्रोत केड़े हैं? कोला तेल ते ठोस बायोमास। तो अगे आ जाते दोस्तों दसवां क्वेश्चन वन विनाश तो तुसीं की समझते हो? जंगलों की कटाई जंगलों वाली मशीन की उद्देशपूर्ण सफाई है। इतिहास के दौरान अते आधुनिक समय विच जंगलों नूं खेतीबाड़ी अते जानवरों के चराउण लई जगह बनाउण दे बालन निर्माण ते उसारी लक्कड़ प्राप्त करन लई उजाड़ दिता गया है। जंगलों की कटाई अते दुनिया भर के लैंडस्केपां नूं बहुत बदल दिता गया है। तो दोस्तों तुसीं 10 क्वेश्चन करने नूं कुल 12 क्वेश्चन होणगे जिवें कि सौर प्रदूषण की हुंदा है मनुखी पूंजी निर्माण की हुंदा है इह वाले क्वेश्चन तुसीं जरूर याद कर लेना। तो दोस्तों फिलहाल तुहानूं अगे क्वेश्चन करा दिंदे हां। प्रश्न नंबर 3 पैरे नूं पढ़ के प्रश्न दे उत्तर देने हन दोस्तों जो कि तुहाडा 6 मार्क्स दा हो जाएगा। तुसीं पहलां पैरे नूं पढ़ लेना चंगी तरह ते फिर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। वातावरण किसनों कहा जाता है? दोस्तों तुसीं क्वेश्चन इसका आंसर तुसीं पहले पढ़ के देना है। मनुखी जीवन को कायम रखने लई गुणवत्ता भरपूर जीवन का आनंद लैण लई कुछ कुदरती स्थितियां का मनुख के आले दुआले प्रबल होना चाहिए है। तो दोस्तों इसका यह आंसर हो जाऊ। तो वातावरण के मुख्य तत् कि वातावरण में हवा पाई सूरज की रोशनी आदि शामिल हैं। वातावरण के ये सारे तत् धरती उत्ते जीवन की होंद लई बहुत महत्वपूर्ण हैं। धरती ते चंगे मियारी मनुखी जीवन का आनंद किवें माणिया जा सकता है? उत्तर हो जाए दोस्तों कुछ कुदरती स्थितियां का मनुख के आले दुआले प्रबल करके। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन आ जाता वातावरण की महत्ता की है? उत्तर हो जाए दोस्तों उन्होंने तत्तों राही वातावरण धरती ते जीवन की होंद उत्साहित करता है ते धरती ते जीवन की गुणवत्ता प्रभावित करता है। तो पंजवां क्वेश्चन आज वातावरण कुदरती स्रोतों के रूप में किहड़े स्रोतों की पूर्ति करता है? उत्तर आज दोस्तों वातावरण कुदरती स्रोतों के रूप में स्रोतों की पूर्ति करता है। तो दोस्तों आर्थिक गतिविधियों लिए वातावरण किवें मददगार है? उत्तर आज दोस्तों आर्थिक गतिविधियां बहुत सारा कूड़ा पैदा कर दिया है। वातावरण कुदरती प्रक्रिया राही इस रहिंद खूंद कूड़े निपटारे मदद करता है। तो दोस्तों अगे एक होर पैरा होगा तुहानूं ते उस दे विच तुसीं क्वेश्चन दे आंसर देने हैं जिवें कि सिक्ख्या की है साखरता दर तो की भाव है। भारत में 1951 ईस्वी विच साखरता दर किन्नी सी? भारत में 2011 विच किस राज विच सब तो वध साखरता दर है? तो दोस्तों इन्हां क्वेश्चन दे आंसर तुसीं पैरे नूं पढ़ के देना ना ते इन्हां दे आंसर तुसीं वेख लेना ये तुहानूं दित्ते गए हैं जिवें कि नीचे इहनूं पढ़ लेना दोस्तों चंगी तरह याद कर लेना। तो 2011 विच पंजाब की साखरता दर किन्नी सी ये भी कर लेना। तो 1951 तो 2011 तक भारत की साखरता दर विच किन्ना वाधा होया है?
तो दोस्तों अगे आ जाएंगे चा हेठा लिखे प्रश्न के उत्तर दियो ये तो बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे तो इन्होंने क्वेश्चन के आंसर तुम अपनी नोटबुक विच्चों देख लेना जेकर तुम ये क्वेश्चन चाहते हो तो तुहानू टैलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे दोस्तों इन्हां दे क्वेश्चन तुसीं सानू टैलीग्राम चैनल ते मिल जाएंगे तुसीं उत्थे जाके टैलीग्राम ते जाके इन्हां क्वेश्चनां दे आंसर याद कर सकदे हो ते दोस्तों तुसीं इन्हां क्वेश्चनां नू जरूर याद कर लैणा मेन क्वेश्चन आही ने दोस्तों ते तुसीं टैलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों तुहानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तुसीं ज्वाइन करना ना भुलना ते दोस्तों इस तरह तुहाडा क्वेश्चन पेपर पूरा हल हो चुका है जेकर तुहानू होर भी कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए तां तुसीं कमेंट कर सकदे हो ते दोस्तों वीडियो लाइक करना ना भुलना चैनल में सब्सक्राइब तो घंटी तक ऑन रखियो जिस राय तुहानू सब तो पहला वीडियो की नोटिफिकेशन सब तो पहला पहुँच जाए वीडियो देखने लिए धन्यवाद मिलते हैं आप अगली वीडियो में।